एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियोस। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं शेयर करने वाले आप लोगों के लिए ओवर साइज टी शर्ट अंडर 300 रुपीज कैसा मिला है, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और समर स्पेशल वीडियो है, समर में ओवर साइज टी शर्ट और कॉटन का भी बहुत ही अच्छा रहता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो फर्स्ट टी शर्ट है मैं शेयर करने वाली, आप लोग देख सकते हो ये ना थोड़ा सा स्काई कलर में है और इसमें फ्लोरल प्रिंट किया गया है फुल व्हाइट कलर का फ्लावर के साथ। और इसका फैब्रिक इसमें लिखा हुआ था कॉटन ब्लेंड, बट ये कॉटन ब्लेंड नहीं है। इसमें ना आपको पॉलिएस्टर वाला थोड़ा सा मिलने वाली है, कॉटन का थोड़ा सा भी इसमें यूज नहीं किया गया है। बट हाँ, लुक वाइज बहुत अच्छा है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी मुझे ऐसा लगता है पहनने के बाद। थोड़ा सा पतला भी है, सी थ्रू हल्का सा है, ज्यादा नहीं है। आज मैंने इसमें परचेज किया एक्सेल, तो चलिए इसे पहन के देखते हैं कि फिटिंग कैसे आ रही है इसका। फ्रेंड्स, इसका फिटिंग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, ये मतलब एकदम परफेक्ट ओवर साइज टी शर्ट जो रहता है ना उस बेसिक पे मुझे मिल गया है। बैक से देख सकते हो ये बिल्कुल भी ऐसे ही फोल्ड करके पहनने से ज्यादा कूल लग, पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में सामने से भी। तो स्लीव्स का भी साइज बहुत ही अच्छा है, जिसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो इसका ना ऑरेंज वाला कलर बहुत पहले उठा था, बहुत ट्रेंडिंग में था। तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, कॉटन ब्लेंड में है। इसका स्लीव्स का भी साइज बहुत ही अच्छे से दिया है, लूज ही अच्छा लगता है। बहुत सारा टी शर्ट में रहता है कि टाइट दे देता है, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो। और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और इसका साइज भी परचेज किया हुआ है एक्सेल में। और ये एक्चुअली एक्सेल पहला वाला से बहुत ही बड़ा है ये वाला एक्सेल। और ये मेरा नहीं है, मेरे बहन का टी शर्ट है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दूं अगर ऐसे परचेज किया है तो। लेंथ वाइज भी काफी अच्छा है, सो देख सकते हैं ये रहा। बैक बिल्कुल भी प्लेन है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है ओनली 166 रुपीज, और उस प्राइस में वर्थ इट है। तो ट्राई करके मैं देखती हूँ, अगर दिखा पाऊंगे तो आप लोग नेक्स्ट देखिए। मैंने आप लोगों को ट्राई करके दिखा रही हूँ। सो ये मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है, मेरे साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे लार्ज में या मीडियम में परचेज करूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट ये बिल्कुल भी सही है, कलर देख सकते हो इसका, नेक का काम, स्लीव्स का भी साइज बहुत ही अच्छा है और पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। सो बैक से देख सकते हैं इसको और फ्रंट का ये रहा इसका लुक, बहुत ही प्रीटी वाला है, कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। तो इससे भी इस पे भी आप लोग जा सकते हैं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और समर के लिए बेस्ट है, तो इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टी शर्ट मैंने परचेज किया है ब्लैक कलर में। गर्मी में थोड़ा सा ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, बट ब्लैक तो ब्लैक है। तो इसका भी देख सकते हो ये ब्लैक है, प्योर कॉटन फैब्रिक में है। इसका स्लीव्स का भी लेंथ काफी अच्छा दिया गया है, साइज में आई थिंक इसमें स्मॉल परचेज किया है। और इसका भी लेंथ ठीक ठाक ही आ रहा है, बिल्कुल ना छोटा है ना बड़ा है, मतलब परफेक्ट फिटिंग है इसका भी। तो बैक बिल्कुल भी प्लेन है और इसका जो प्रिंट किया हुआ है ना ये वाला, तो ये वाला बहुत ही अच्छे से किया गया, बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है। जो दूसरा रबर रबर टाइप का रहता है थोड़ा सा उठा हुआ फॉइल टाइप का, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसका फिनिशिंग का वर्क किया गया, बटरफ्लाई का किया गया ये। तो चलिए इससे भी आप लोगों को ट्राई करके दिखाते हैं कि फिटिंग कैसी आ रही है। सो गाइस, इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आया, लेकिन हाँ एक साइज अगर आप परचेज करते तो शायद और ज्यादा अच्छा और ज्यादा लूज आता। टी शर्ट का भी लेंथ देख सकते हो आप, इसका प्रिंट वर्क, नेक का काम बिल्कुल प्योर कॉटन फैब्रिक में है, तो बहुत ही आराम है समर में पहनने के लिए। बैक देख सकते हो और इसका फॉन्ट का भी मतलब ठीक है, मतलब और एक साइज अगर आप चाहते हैं तो बड़ा ले सकते हो, बट ये भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट हुआ है। थोड़ा सा स्लीव्स और लूज रहता तो ज्यादा देखने में अच्छा लगता, बट ये भी बहुत ही प्रिटी है देखने में, बहुत ही प्यारा वाला है, तो इसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं शेयर करने वाली हूँ एक मस्टर्ड येलो में। इसका भी कलर ऑप्शन आपको 2-3 ग्रीन पर्पल येलो में मैंने परचेज किया है। पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइट येलो दिख रहा है, बट ये मस्टर्ड येलो में आपको रिसीव होने वाली है। ये भी आपको कॉटन ब्लेंड लिखा हुआ है, बट इसमें कॉटन का टेक्सचर ज्यादा है। तो देख सकते हैं इसका राउंड नेक है, स्लीव्स का भी साइज बहुत ही अच्छे से दिया गया है, बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है मून चाइल्ड करके, देख सकते हो। इसका भी जो प्रिंट है ऊपर का जो बहुत ही अच्छा स्मूथ है, तो बिल्कुल भी रबर टाइप का बिल्कुल भी नहीं है ऐसा वाला ना, थोड़ा सा बेकार लगता है देखने में, बट इसका वर्क बहुत ही अच्छे से किया गया है। इसका साइज देख सकते हो बिल्कुल भी परफेक्ट आया है मुझे, और साइज मैंने आई थिंक इसमें मीडियम परचेस किया था, इसमें तो अभी कोई भी लगा हुआ नहीं टैग वैग, तो मीडियम में मैंने परचेस किया था। प्राइस मुझे इसको 160 और 170 के आसपास कुछ पड़ा है, तो उस प्राइस में गाइस ये वर्थ इट है। तो चलिए इसे भी आप लोगों को ट्राई करके दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। इसका फिटिंग्स भी मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, स्लीव्स का साइज, टी शर्ट का जो लेंथ है बिल्कुल भी परफेक्ट है ये। बैक से देख सकते हैं आप लोग इसका,
और कलर इतना प्रिटी लग रहा है देखने में, बट हाँ थोड़ा सा ब्राइट येलो देता तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, बट ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और सामने से देख सकते हैं इसका नेक भी काफी अच्छे से फिनिशिंग है, स्लीव्स का भी और प्रिंट का जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टी शर्ट के ऊपर में, तो इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ, आप लोग साइड में इमेज में देख सकते हो कितना क्यूट सा एक टी शर्ट है येलो कलर में। मुझे क्या दे दिया गया देखिए एक बार, मरून कलर का कुछ बहुत ही बेकार सा एक टी शर्ट, इसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लुक थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही जो पॉलिएस्टर का फैब्रिक रहता है ना बहुत ही मोटा वाला टाइप का, वैसा वाला इसका फैब्रिक है, देख सकते हो ये वाला मुझे मिल गया है। और एक आप लोग देख सकते हो पिक्चर में रेड कलर का कितना प्यारा वाला है, बट ये ऑर्डर किए हुए मेरे मुझे 7 दिन हो चुका था, बट 7 दिन बाद अचानक से सेलर ने ही शायद कैंसिल कर दिया होगा या फिर प्रोडक्ट नहीं है। बहुत ही होप लेके मैंने इसको ऑर्डर किया था कि इतना प्यारा क्यूट सा रेड कलर दिखने में लग रहा है, बट कैंसिल कर दिया था और मैंने फिर से अभी उसे ऑर्डर किया है, तो देखते हैं इस बार देता है कि नहीं देता है। अगर दे दिया तो नेक्स्ट हॉल में मैं शेयर करूंगी। और आप लोगों को कोई रेकमेंड हो कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है तो आप लोग मुझे कोड कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उस प्रोडक्ट का वीडियो बनाने की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा।